Hello everyone, so today we are going to start our new topic, that is number series. Number series की बात करें तो series word से पता ही चल रहा है कि कोई order follow up कर रहा होगा या sequential manner में कोई follow up कर रहा होगा rule. तो वो rule कौन सा follow कर रहा होगा या कोई order चल रहा होगा तो वो आप कैसे identify करेंगे. तो हम आज के इस class में क्या करने वाले हैं? कुछ भी नहीं करने वाले. क्या? कुछ भी नहीं. मीन्स हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे, इसके जो भी पैटर्न अराइज होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसके आज पैटर्न डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से पैटर्न अराइज होते हैं और जब भी एग्जाम में दिखे तो आपको वो पैटर्न आपके माइंड में ऐसे रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए कि जैसे आप उसे देखें थोड़ा सा क्या हो जाए, आपका माइंड एक्टिव हो जाए. ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी पार्ट है और एक क्या है, प्लस पॉइंट भी है. अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है पैटर्न्स को लेके तो आप बहुत इजीली कर देंगे. ऐसा नहीं है कि इससे बाहर कुछ आ जाएगा, वही रहेगा. बस इतना रहेगा कि आपकी वो डीलेबिलिटी कैसी रहती, कि आप उससे क्वेश्चन से डील कैसे कर रहे हैं, उसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके टाइप्स, कितने पैटर्न्स में अराइज होते हैं. आज सिर्फ हम इसके पैटर्न्स ही पढ़ेंगे कि पैटर्न किस पैटर्न से ये अराइज होता है. तो सबसे बेसिक इसका देखते हैं कि अगर सीक्वेंस और सीरीज की बात करें तो एग्जैक्टली होता क्या है. तो क्या होता है, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना और अ सेट ऑफ नंबर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. ओके, पर्टिकुलर ऑर्डर में वो किसी रूल को फॉलो अप कर रहे हैं, इसे ही क्या बोला जाता है, नंबर सीरीज बोल सकते हैं आप या सीक्वेंस बोल सकते हैं या सीरीज बोल सकते हैं. मतलब किसी भी पैटर्न को फॉलो अप करना, दैट इज. ओके, नाउ फर्स्ट पैटर्न देखिए. या तो अब देखिए, मैं जो बोल रही हूँ ना, लिखते जाइए या तो फिर माइंड में रिकॉग्नाइज करते जाइए, बट ये प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्ट बनाएगा. ऑलवेज आई एम रिपीटिंग इट कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट. तो देखिए, सबसे पहला क्या बोल रहा है रूल की एडिशन. क्या हो रहा होगा उसमें, कुछ एडिशन हो रहा होगा, या तो सेम नंबर का एडिशन हो रहा होगा या एक सीक्वेंस मैनर में नंबर्स का एडिशन हो रहा होगा. तो सबसे पहला वाला देखिए क्या है, 1 से 4. 1 से 4 कितना एडिशन हुआ, 3 का एडिशन हुआ, प्लस 3 का. 4 से 3 अगेन प्लस 3. 7 से 3 अगेन प्लस 3. तो यहाँ पे सेम मैनर ऑफ सीक्वेंस चल रहा है, मीन्स प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 लाइक दिस. ओके, तो यहाँ भी सेम, इसमें प्लस 3 किया तो व्हाट विल यू गेट, आपको क्या मिलेगा आपका आंसर, दैट इज 20, लाइक दिस. नेक्स्ट 3 में प्लस कितना करेगी, 8 आ जाए, प्लस 5 अगेन प्लस 5 अगेन प्लस 5. So what will you get? Plus 5, 38. This is your answer. ये तो बहुत ही सिंपल है. मैंने क्या बोला कि हम सिंपल से डिफिकल्टी लेवल पे जाएंगे, है ना. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि डिफिकल्टी से सिंपल पे आते, सिंपल से डिफिकल्टी पे जाते. तो सबसे पहला क्या है, पैटर्न्स माइंड में क्लियर करने की कैसा सेट अराइज होगा, तो आप कैसे उसे पिकआउट करेंगे, कैसे उसे समझेंगे और कैसे उसे सॉल्व करेंगे. ये सब चीजें आपके माइंड में बहुत होना बहुत जरूरी है. तो सब्ट्रैक्शन क्या बोल रहा है. अब सब्ट्रैक्शन का केस कैसा है, सिंगली वो सब्ट्रैक्शन नहीं देगा, वो किसी रूल के साथ अप्लाई करके देगा. फॉर एग्जांपल मिक्स पैटर्न में भी दे सकता है वो, है ना, कि प्लस माइनस सब कुछ मिक्स कर दिया, देन ही इज गिविंग यू. तो देखो सब्ट्रैक्शन, 25 से 23 की ओर गए तो कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस 2. यहां से यहां गए तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 then minus 2, that is 13. Now third pattern. अब इन दोनों pattern में क्या हो रहा है कि इसमें mixed series पूछ लेगा तो क्या कर देगा, इन दोनों series को क्या कर देगा, वो combine कर देगा. क्या कर देगा, combine कर देगा. For example के लिए यही अगर दोनों की बात करें तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 4 लिखा, then 7, then 2 और इसी series को इसके अंदर combine कर दिया, 25 23 21. तो अब आप कुछ देख पा रहे हैं. अब इसमें बोलेंगे 1 से 25 आगे डायरेक्ट, 4 आया फिर 23. तो जब भी ऐसी कुछ सीरीज अराइज होती है तो उसमें क्या होता है, या तो मिक्स सीरीज दी होंगी, दो सीरीज एट अ टाइम चल रही है और दो ऑपरेशन वहां पे क्या हो रहे होंगे, एट अ टाइम अकर हो रहे होंगे. तो देखिए दो टाइम कैसे हो रहे, यहां से प्लस 3, यहां से भी प्लस 3,
यहाँ से भी प्लस 3, यहाँ का आपको बताना है कि क्या आएगा, और यहाँ से माइनस टू, तो इट विल बी 19। आया? देखिए दो सीरीज से मिलके वो एक सीरीज बनी, 1, 2, 3। अब एक और चीज, प्राइम नंबर क्या होते हैं, सभी को पता होंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, दैट इज द नंबर इटसेल्फ एंड 1। सपोज 17 इज अ प्राइम नंबर, यस इट इज कमिंग इन टेबल ऑफ 1 एंड 17, दिस इज एन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की सीरीज दे दी उसने, सपोज 3, 7, 1, 2, 2, 7, 11, then tell me what is our next number। तो देखिए 2 is prime number, 3 is also prime number, 7 is also, then 11, 11 के बाद 13। Getting your point? कि आपको क्या करना है, कि आपको कैसे करना है, आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पैटर्न क्या होता है, स्क्वायर। अब स्क्वायर में भी वो 3 केस अराइज होंगे, स्क्वायर पैटर्न का अगर देगा तो उसमें भी 3 केसेस अराइज होते हैं। तो वो केसेस कैसे होते हैं, सपोज अगर वो स्क्वायर दिया है तो आपको पता ही है कि स्क्वायर आपको 30 तक तो याद ही होने चाहिए। तो देखिए ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर दे देगा वो आपको, नंबर का स्क्वायर प्लस 1। एक पैटर्न ये हुआ, उसी की सीरीज में यही बता देती हूँ आपको कि ये नंबर है, ये नंबर का स्क्वायर प्लस 1, इसी नंबर का 2 का स्क्वायर प्लस 1, वन का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप में पैटर्न देखा, एन स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से। ओके स्क्वायर जैसे कि आपको पता होगा 64 का, तो 65 दे दिया, तो आपको पता ही है 64 के पास है 25 का, 26 दे दिया, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1। और इसी का एक अपोजिट देखें तो एन स्क्वायर माइनस 1, इसी का अपोजिट 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो आपको ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये तो मैं बना के दिखा रही हूँ, आपको कैसा दिखेगा कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 0, 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 8, 4 का स्क्वायर माइनस 7 15, 24 35, 72 का 49 48। तो ये इस टाइप से आपको सीक्वेंस दिया रहेगा। तो आप बोलेंगे 0 से 3 वो कैसे गया, 3 से 8 कैसे गया, 8 से 15, 15 से 24। तो ये मैनर आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि आपको लगा कि हाँ ये तो 16 के स्क्वायर के पास है, 3 के स्क्वायर के पास है, मतलब ऐसा कोई रूल चल रहा होगा। कौन सा रूल चल रहा होगा, कि हाँ किस टाइप से रूल चल रहा होगा, कि ये वाला। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि मैंने कितनी अभी बता दी, सब चीजें आप नोट करते जाइए। सबसे पहले एक एडिशन में ही एक ये वाली बताई, दूसरी दूसरी मैंने ये बोली, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली थर्ड मिक्स सीरीज, मिक्स नंबर सीरीज। और यहां पे मैंने बताया एक ये वाला पैटर्न और एक ये वाला पैटर्न। अभी जरूरी नहीं है यहाँ पे प्लस 1 ही चल रहा होगा, प्लस 2 प्लस 3 लाइक भी चल सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द सीरीज जो भी उसने दी होंगी नंबर सीरीज उसके अकॉर्डिंग। मैं बस आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अरिथमेटिकल सीरीज देगा वो या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ज्योमेट्रिकल सीरीज में मल्टीप्लीकेशन डिविजन रूल अप्लाई होता है। तो देखिए नेक्स्ट, अब क्यूब स्क्वायर देख लिया,
मिक्स देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब इस क्यूब, क्यूब आपको 10 तक, 15 या 20 तक याद होना चाहिए। तो देखिए क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में भी सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा होगा जो हमने स्क्वायर में किया, तो एन का क्यूब प्लस वन हो रहा होगा या तो एन का क्यूब माइनस वन, सेम वे में जो मैंने आपको पीछे बताई। थर्ड मल्टीप्लीकेशन, या तो मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन भी हो रहा होगा किसी नंबर का, अगर इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा तो एडिशन हो रहा होगा, है ना, इसी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा तो इसी का सम, इस तरीके से मीन्स किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा और उसमें किसी का एडिशन, n into 1 plus 1 या n into 2 plus 2, n into 3 like this, okay? ये हुआ, या तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, वो छोटा नहीं देगा, थोड़ा सा एक्सपांडेड फॉर्म ही देगा। बट आपको एक चीज याद रहना चाहिए, एडिशन के साथ मल्टीप्लीकेशन के कंबाइंड में देगा या सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन के कंबाइंड में देगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो आपकी एबिलिटी एक्यूरेसी स्पीड का चेकअप कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो 1 से 3, 1 3 जा 3 3 जा 9 3 जा, तो इसमें क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का। तो ये सिंपली बोला है कि 3 का ही हो रहा है सब में, तो इसी में अगर 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 1 6 7, 7 2 9 इज योर आंसर। नाउ 2 3 जा 6 18 जा 18 54 जा, मीन्स क्या हो रहा है, 6 2 जा 6 3 जा 18 4 जा 5 जा, देखिए फिर से देखिए एक बार, 3 जा 3 जा 3 जा, मीन्स 3 जा ही हो रहा है, तो यहां भी कितने जा हो रहा होगा, 3 जा, तो 18 का 1 24 5 2 और 14 1 4 5 8 सही है, एक बार चेक कर लीजिए। अब ये जरूरी नहीं है इसी मैनर में दे रहा होगा, है ना, वो मैंने बताया कि अगर उसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा तो किसी का ऐड भी हो सकता है कि नंबर थोड़ा सा इंक्रीज कर दे वो, है ना, कि ये 3 जा प्लस 2 3 जा प्लस 2 कैसे दे देगा, सपोज यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे दे देगा 8, यहाँ दे देगा 20, यहाँ दे देगा 56, यहाँ दे देगा 164 और यहाँ दे देगा 488, तो कैसे, तो मैंने देखा कि ये 3 जा, आपने क्या देखा कि 3 जा का मल्टीप्लाई करने पे प्लस 2 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर ये सीरीज दी है तो कैसे करेंगे आप इसे, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 3 जा प्लस 2, तो ये आ गया 3 जा, देखिए 3 जा प्लस 2, इसका 18 3 जा 18 3 जा 24, ये वाली सीरीज रहने दीजिए, ये थोड़ा सा गलत बन गई है, इनडायरेक्ट वे में नंबर में क्या हो रहा है, अगर यहां पे देखें हम तो क्या हो रहा है, नंबर एज इट इज है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, और इसी में मैं रूल पिकअप करने का बोल रही हूँ आपको, 1 का, ओके 1 का हो सकता है, या 3 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस 2 का, 3 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 3 का, ये पैटर्न है एक तरीके से रिकॉग्नाइज रखने के लिए, ओके यहाँ जो बनाने की कोशिश हो रही थी वो यही हो रही थी।
आया समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ हो गया ये। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पूछा ही जाता है। दो सीरीज तो इसी के नाम की होती है कि 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा या तो फिर हाफ का डिवाइड हो रहा होगा या उसमें 0.5 का एडिशन भी हो रहा होगा और मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा होगा। तो कैसे हो रहा होगा? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको क्या हो, अगर केस अराइज हो कोई भी सीरीज का, नंबर सीरीज का, तो आपको क्या माइंड में रिकवर रखना है, हमेशा याद रखना है आपके माइंड में कि क्या रखना है, बड़ा स्मॉलर ग्रेटर। जब भी बड़ा नंबर आए, बड़े नंबर के बाद एकदम से छोटा नंबर आए, ओके, बड़े नंबर के बाद एकदम से छोटा नंबर आए, तो वहां पे एक बार अप्लाई कर लीजिएगा। भले वहां कोई भी और रूल लग रहा हो, फिर भी एक बार आपका बनता है कि अगर वहां पे कोई और रूल नहीं लग रहा है तो यू हैव टू डू 0.5 का आपको वहां पे मल्टीप्लाई करके देखना है। 0.5 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे और उसमें प्लस का रूल लगा के देखेंगे, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और उसी में क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस का 1 होगा या 0.5 का ही होगा या 1 का होगा या 1.5 का, क्या होगा ये, एडिशन होगा। ये रूल कहता है कि 0.5 का जब भी आता है तो क्या होता है, ग्रेटर नंबर आगे आता है, फिर एक छोटा आता है, बड़ा छोटा लाइक दैट, ओके। तो वहां पे क्या करना होगा, 0.5 का आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि अगर 0.5 से डायरेक्ट आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो उसमें ऐड करके देख लीजिए 0.5 या 1, 1.5, 2, 2.5, लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे हुआ है, 10 बड़ा था फिर छोटा आया, तो इसी में जब मैंने 0.5 का किया तो क्या रहा है, 50 मीन्स 5.0, तो 5 आ गया, फिर 5 का मैंने मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो 0.5 से तो 2.5, 0.25 में मैंने 0.5 का किया तो 2 पॉइंट, और 525 और 2 डिजिट के बाद लग गए। वैसे इसमें किया तो क्या है यहाँ पे 0.3125, ये आपका क्या आया, आंसर आया। जब आपने 0.625 में इनटू 0.5 किया तो आपको क्या मिला, 3125 मिला। आया समझ में? ये वाला पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या याद रखना है, द पैटर्न इज कंटिन्यूड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.5 ईच टाइम। 0.5 का वो क्वेश्चन कितने देगा आपको, दो सीरीज दे देगा जहां पे आप कंफ्यूज करेंगे और सारे पैटर्न अप्लाई कर देंगे, बट वो कोई भी पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वहां पे रूल क्या लग रहा है, 0.5। तो ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज या माइंड में याद रखने के लिए हमेशा याद रखना है कि जब भी बड़ा नंबर आएगा और उसके आगे एग्जैक्टली छोटा नंबर आएगा तो आपको किसका मल्टीप्लाई करके देखना है, 0.5 का। कैलकुलेशन स्पीड आपको धीरे धीरे आपकी बढ़ानी पड़ेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। लास्ट है ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है कि सीरीज के अंदर भी एक सीरीज चलती है या उस सीरीज के अंदर भी एक सीरीज हो सकती है। तो कैसे उसे पता करते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना होता है, उसका डिफरेंस देखना होता है। क्या बोला मैंने, डिफरेंस देखना होता है। एक बार इसका ये रूल लिख दूं कि 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 0.5 का एडिशन हो सकता है या 1 का एडिशन हो सकता है या प्लस 1.5 का, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 का मल्टीप्लाई हो रहा हो और मल्टीप्लाई 1.5 का हो रहा हो, फिर मल्टीप्लाई 2.0 का इंटू 2.5 का। ये वाले पैटर्न थोड़े से रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। अब लास्ट में देखिए ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर में क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है, 2, इसका डिफरेंस देखा तो 3, इसका डिफरेंस देखा तो 4, इसका देखा तो 5, इनका देखा तो 6, 7, 8, 9 और यहाँ क्या होगा 10। ये तो इतना डिफरेंस आ गया, बट इनका भी डिफरेंस होता है, वो 1, 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
10 is 55. This is your right answer. यहाँ पे तो अभी सिंगली वन आए हैं. अगर इसमें से अगर कोई पैटर्न अप्लाई नहीं होता है तो फिर आपको ये वाला केस अप्लाई करके देखना पड़ता है ट्रायंगुलर नंबर सीरीज का. यहाँ पे हमने इसके पैटर्न देखे नंबर सीरीज के. मैक्सिमम सारे पैटर्न इसमें रिकवर हो गए हैं और कुछ एक दो पैटर्न जो रहे वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो यू कैन इजीली गो थ्रू अवर चैनल दैट इज mathsly.in. इससे रिलेटेड और क्लासेस आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं. टिल देन थैंक यू.